अप्रैल की गर्मियों के साथ साथ इन दिनों देश में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों विभिन्न मुद्दों पर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में अजान पर सियासत हो रही है, लेकिन उसी महाराष्ट्र की हम आपको हैरत अंगेज कर देने वाली तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के इस समस्या पर ना तो सरकार बात करना चाहती है, ना ही विपक्ष। महाराष्ट्र के नासिक के रोहिले गांव में पानी की कमी से लोग परेशान हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए महिलाएं कुएं की गहराई तक जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं कुएं के किनारे इकट्ठा है, जबकि कुछ सीढ़ी और रस्सी के सहारे कुएं में उतरी हुई है। एक महिला पानी कुएं से निकालती है और दूसरी महिला इसे ऊपर की ओर ढकेलती है। इसके बाद कुएं के बाहर खड़ी महिलाएं पानी निकालकर अपने अपने बर्तनों में भरती है। अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। सभी महिलाएं बस किसी तरह अपने बर्तनों को पानी से भरने की जुगत में दिख रही है। कुएं के बाहर मटकों और बर्तनों का ढेर लगा है, लेकिन ना तो इनकी फिक्र महाराष्ट्र सत्ता में बैठे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को है, और ना ही इनकी फिक्र महाराष्ट्र के मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को है। हम यहाँ औरतें 2 किलोमीटर से आते और यहाँ कुएं से पानी निकलते, हमें पानी ही नहीं रहता। हम 2 किलोमीटर जाते और पानी निकलते। कोई कोई औरतें तो सीढ़ी लगाते नीचे कुएं में, उस नीचे उतरते फिर ऊपर एक एक औरत लेती है। कोई बार तो हमें कोई औरतें तो नीचे उतरती, कुछ बार कोई गिरती भी है, इसलिए हमें पानी की बहुत दिक्कत होती है। नासिक की आज की अगर पानी की पोजीशन देखी जाए तो पिछले साल से बहुत ही बेहतर है। पिछले साल जो आज के दिन 44% इतना जलसाठा था, उसके कंपैरिजन में आज के दिन नासिक ज़िले में 46% इतना जलसाठा है। जो नियोजन हमारा हुआ है तो पानी की दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे हिसाब से अगले जून तक तो पानी की दिक्कत नहीं आनी चाहिए।